तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से आज जोड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो को कूल बनाने के लिए देखिए मेरा वीडियो फुल। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास अभी DMs आया था एक अपने स्क्रीनशॉट लेके। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो मुझे DM कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, कि उसको डॉल्फिन एमुलेटर में प्ले करने में दिक्कत आ रही है, उसको ये पॉपअप दिखा रहा है फेल टू कंप्ली एच शेडर। तो आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ओके गाइज, और आप डॉल्फिन एमुलेटर जिन जिन लोगों के मोबाइल फोन में नहीं चल रहा है, तो उसको भी मैं प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, ये 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में मैं आपके फ़ोन में 100% डॉल्फिन एमुलेटर प्ले यानी इंस्टॉल करवा के रहूँगा, और उसमें आपको गेम भी प्ले करवा के रखूँगा, ठीक है गाइस। और अगर ये जो गेम आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, तो ये गेम की वीडियो भी मैंने सेपरेट बना रखी है, अगर आप इसको चाहते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल्स एंड लिंक के साथ इस गेम को दे रखा है हाईली कंप्रेस्ड। ओके, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस डॉल्फिन एमुलेटर की कुछ सेटिंग्स और क्या ये पॉपअप कैसे रिमूव होगा, कैसे आपके फोन में 100% वर्क करेगा डॉल्फिन एमुलेटर, तो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले गाइज, आप जिस भी फ़ोन में डॉल्फिन एमुलेटर प्ले करवाना चाहते हो यानी इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसी फ़ोन के गूगल क्रोम को ओपन करना उसी फ़ोन में, ठीक है। और उस फ़ोन का मॉडल नंबर, जैसे कि मैं ओप्पो F15 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओप्पो F15 आगे N22 बेंचमार्क स्कोर लिखूँगा, ठीक है। आप जैसे कोई रेडमी का यूज़ कर रहा हो तो Redmi K20 या फिर Redmi Note 4 ऐसे लिख के आगे N22 बेंचमार्क्स आपको गूगल करना है। तो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके पास N22 बेंचमार्क्स के पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे मेरे पॉइंट्स आई है 1,94,000 समथिंग। ओके, तो आपके पॉइंट्स 1,00,000 से अब होने चाहिए, एंड 1,30,000 से अब होंगे तो आपके फोन में 100% यानी 20 से 30 FPS तो आसानी से चल जाएगा ये डॉल्फिन एमुलेटर में WWE का गेम्स। ओके, तो यानी आपको सर्च करना है, पहले अपना पॉइंट्स देखना है बेंचमार्क्स के ऊपर। ओके, ये बेंचमार्क्स पॉइंट्स अगर आपके 1,00,000 से अब आ रहे हैं तो ही आपको डॉल्फिन एमुलेटर इंस्टॉल करना है, चाहे कोई भी यूज करो। ओके, उसके बाद डॉल्फिन एमुलेटर इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है को, और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके पहले एनहांसमेंट्स वाले ऑप्शन में जाना है, और फिर आपको यहाँ पे जो फुल स्किन एंटीएलाइजिंग है इसको ऑफ करना है, ठीक है, ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको जाना है जनरल वाले सेटिंग्स में, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स रहेगी वो होगी CPU कोर की। दोस्तों, CPU कोर में आपको JITAR4 ये वाला ऑप्शन है, इस पर टिक करना है, और ये टिक करने के बाद आपको सेव कर देना है WW2 के मतलब डॉल्फिन एमुलेटर की सेटिंग्स। तो आपका जो वो पॉपअप आ रहा है वो बिल्कुल 100% गायब हो जाएगा, यानी आपका जो डॉल्फिन एमुलेटर है वो 100% वर्क करने लग जाएगा, यानी फुल सेटिंग्स का ही कमाल है डॉल्फिन एमुलेटर का। जी दोस्तों, अगर आपने सेटिंग्स में कुछ छेड़खानी कर दी है तो आपके डॉल्फिन एमुलेटर में एरर आने लग जाएगा, यानी गेम को वो प्ले करने में मतलब अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सेटिंग्स कर लेना जो मैंने बताई है, ध्यान दीजिएगा CPU कोर के ऊपर जो कि जनरल वाली सेटिंग्स में मिलेगी, एंड एक इनहेंसमेंट में आपको एंटी एलाइजिंग जो कि आपको फुल स्क्रीन वाली वो ऑफ रखनी है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर इसमें आपको कुछ छेड़खानी की आपने तो आपका जो डॉल्फिन एमुलेटर है वो एरर दिखाना चालू कर देगा, यानी आपका डॉल्फिन एमुलेटर बिल्कुल भी प्ले नहीं हो पाएगा, आपको ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम या और भी प्रॉब्लम दिखा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये ट्रिक 100% यूज होगी, आपका डॉल्फिन एमुलेटर आपके मोबाइल फ़ोन में वर्क किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी करके जाना है। ओके, तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने आपको, ट्रिक तो नहीं एक सेटिंग्स थी डॉल्फिन एमुलेटर के लिए, जो भी किसी भी बंदे के मोबाइल फ़ोन में एरर दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रही है, वो 100% फिक्स हो जाएगी सिर्फ ये दो सेटिंग्स करने के बाद। ओके, आई होप मज़ा आया होगा वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, तो सब्सक्राइब तो कर ही जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।